शिवपुरी में एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया के सख्त निर्देश पर साइबर सेल की टीम एक अच्छा कार्य कर रही है। कंट्रोल रूम पर 102 खोए हुए मोबाइल 13.5 लाख कीमत के लोगों को एसपी ने अपने हाथों से वापस किए हैं, जिससे लोगों में खुशी की लहर है। अपने अपने खोए हुए मोबाइल मिलते ही साइबर सेल की टीम और शिवपुरी पुलिस को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि साइबर सेल की मदद से अभी तक 6 माह में लोगों के खोए हुए 250 मोबाइल पकड़कर कंट्रोल रूम में लोगों को किए वापस। पुलिस अधीक्षक ने साइबर सेल की पूरी टीम को धन्यवाद दिया और कहा कि यह एक अच्छी सफलता हासिल की है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है मोबाइल आपका? ये मिला है कब? खोया था ये? कौन सी जगह है? फिर आपने उसकी शिकायत एसपी ऑफिस में? क्या कीमत है आपके मोबाइल की? इसकी मोबाइल मिल गया तो आपको कितनी क्या खुशी हो रही है? किसको आप धन्यवाद देना चाहते हो मोबाइल? क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम किरण कुमार। जय, आप ये अभी कंट्रोल रूम पे आओ। मोबाइल आपका कब खोया था, कब मिला? मेरा 3 दिसंबर को मोबाइल हाथ में से छीना था। एक कार्यक्रम कर रहे थे हम लोग। कहाँ पे? फिजिकल पे जी। बेटी का है ना स्वागत में हमने कार्यक्रम रखा था जी, उसी भीड़ में मेरा मोबाइल चोरी हो गया। अच्छा, वो रैली वगैरह लिख ली थी जब जी? तो एस पी साहब की और पूरी टीम के माध्यम से उन्होंने मेहनत की और आज हमारे मोबाइल खत्म मिल गया। कितनी का आपको खुशी हो रही है मोबाइल आपका? मेरे लिए मतलब आभार खुशी कह सकता हूँ, और मुझे तो खुशी हुई इससे। आज मुझे ये खुशी सबसे अच्छी हुई कि आज हमारे देश में इतना अच्छा मेहनत के बाद पुलिस विभाग के द्वारा। मोबाइल की क्या कीमत है आपकी? मोबाइल कीमत 12,000। अच्छा सर, आज ये खोए हुए मोबाइल वितरण किए गए, कितने मोबाइल वितरण किए गए? आम जनता की ओर से जो शिकायतें आई थी, मोबाइल कहीं गिर गया, गुम हो गया, उसकी जो साइबर सेल जांच कर रही थी, आज 102 मोबाइल पिछले दिनों में जब्त जो है किया गया, जो प्राप्त किया गया। आज हम सभी जो जिनके मोबाइल गुम हुए थे उनको बुलाकर कंट्रोल रूम में मैंने 102 मोबाइल उनके उनको सपोर्ट किया। साइबर सेल की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, उसको मैं मेरा शुक्र किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।